विश्व श्रवण दिवस पर राजस्थान राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, एनएचएम निदेशक नरेश ठकराल, चिकित्सा सेवा निदेशक डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आयामों को जोड़ा जा रहा है। विभाग भी चाहता है कि चिकित्सा संसाधनों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। जागरूकता बढ़ने पर बधिरता जैसी बीमारियों के मामले में गिरावट आ सकती है। बच्चों में जन्मजात जिस तरह से हियरिंग की प्रॉब्लम आती है और जिस तरह से हमारी अपनी खुद की गलतियों की वजह से या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों को ये समस्या डेवलप होती है, इस समस्या का समाधान हो उसके लिए आज पूरी दुनिया विश्व श्रवण दिवस के रूप में इस दिन को मनाती है और यहाँ कार्यक्रम भी चलाया। पहले भारत सरकार ने ये जो NPPCD प्रोग्राम चलाया, पहले 12 जिलों में चलाया, फिर 14-15 से शुरू हुआ था प्रोग्राम और फिर 6 जिले इसमें और इंक्लूड किए, फिर 3 किए, 2021 में आके पूरे राजस्थान में जितने हमारी मेडिकली 34 जिले हैं, वैसे रेवेन्यू के 33 जिले हैं लेकिन मेडिकल के दृष्टिकोण से 34 जिलों में ये प्रोग्राम चला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए, आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा किस तरह से बच्चों में कोक्लियर इम्प्लांट मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगाने की काम शुरू किया गया, हाथ में लिया गया है। सुनने की क्षमता जिस बच्चे में पैदा कर दी जाएगी उसकी बोलने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। हमने इसके लिए IEC एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन की भी शुरू की है।